हेलो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्लास 11th का है, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8। क्या करना है? प्रूव दैट पाई कॉस पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स प्रूव करना है। तो टेकिंग LHS cos pi plus x cos minus x upon sin pi minus x cos pi by 2 plus x। अब देखिए, ये हमारा क्या था? क्वाड्रेंट था, 0 डिग्री से क्या pi by 2 था, और ये pi 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई बाई। अब यहां देखना है पाई में प्लस हो रहा है, जब कोई चीज पाई में प्लस होगी तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? हमारा कॉस निगेटिव होगा। इस पे सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, अदर सारे निगेटिव होते हैं, तो कॉस हमारा निगेटिव होगा। तो यहां पे कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। और जो इस पे होते हैं पाई और टू पाई पे, इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, इस पे सिर्फ चेंज होता है पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू में, इसलिए इसे चेंज नहीं करेंगे। ये याद रखना है पाई और टू पाई पर ये भी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो चेंज नहीं होगा। कॉस है तो कॉस ही रहेगा, सिर्फ साइन का फर्क पड़ेगा बस। साइन किसका चेंज करेंगे ये चीज ध्यान रखना, अगर हमें क्वाड्रेंट याद हो जाए तो दिक्कत नहीं होगी। अब ये थर्ड में आ रहा है तो थर्ड में कॉस क्या होता है? निगेटिव। तो ये आ जाएगा कॉस एक्स। अब कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा कॉस एक्स। अब ये हमें फार्मूला माइनस थीटा वाला याद हो, नाइन्थ में था। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू कॉस एक्स हो जाएगी, थीटा की जगह एक्स है तो एक्स। अब देखिए कॉस पाई माइनस एक्स, पाई में माइनस हो रहा था, इस क्वाड्रेंट में आएगा सेकंड में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, अदर सब निगेटिव होते हैं, तो ये साइन ही है तो ये पॉजिटिव होगा। क्या आ जाएगा? साइन एक्स। अब कॉस पाई बाय टू, अब इसमें आ रहा पाई में आगे प्लस हो रहा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जब आएगा तो सेकंड इससे तो कॉस क्या होता है? निगेटिव होता है सेकंड में, तो ये निगेटिव आ जाएगा। अब कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। थीटा जगह एक्स है, एक्स लिख देंगे। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, साइन इंटू साइन क्या होगा बेटा? साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? कॉट स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। हेंस क्या आ गया? हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। बच्चों, अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब तो जरूर करना जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नोट कर लीजिए।